बारे में ये इस आज के प्रेजेंटेशन के टॉपिक में हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इस डिजीज का नाम है। फैटल इलनेस है ये। फैटल इलनेस का मतलब क्या हुआ? फैटल इलनेस मीन्स कि इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ये किसके द्वारा होती है? कॉज्ड बाई रेट्रोवायरस HIV। HIV नाम के एक रेट्रोवायरस से ये बीमारी होती है। क्या करती है? ब्रेक्स डाउन बॉडीज इम्यून सिस्टम, ठीक है, और पेशेंट को वल्नरेबल कर देती है। किसके लिए? बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए, न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, और अनयूजुअल मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी मतलब होता है बेटा अनयूजुअल कैंसर्स। बहुत तरीके के कैंसर्स भी हो सकते हैं उसकी बॉडी में। तो आप समझ गए कि एड्स HIV से होता है, और मेनली तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को परेशान करता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया है, HIV का हुआ है तो अपॉर्चुनिस्टिकली, यानी कि जैसे कि अगर 10 लोग एक ही इन्वायरमेंट में हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन भी प्रेजेंट है, तो उन 10 में से जिसे HIV एड्स का इन्फेक्शन पहले से है, उस पर्सन को सबसे पहले एड्स का वायरस इन्फेक्ट कर देगा। उस पर्सन को बाकी और इन्फेक्शंस भी जो हैं वो सबसे पहले इन्फेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप आजकल कोरोना वायरस के केस में सुन रहे हैं कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग जो हैं वो इन्फेक्शन के लिए, कोरोना पॉजिटिव होने के लिए ज़्यादा उनकी पॉसिबिलिटी है। चलिए, एड्स के बारे में हमने ये देखा, अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। एड्स का HIV एजेंट है जो कि एड्स का, इसके बारे में देखते हैं। तो इट इज़ अ RNA वायरस। एक्चुअली ये क्या है? RNA वायरस है विच रेप्लीकेट्स इन एक्टिवली डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट। एक्टिवली डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट सेल्स में ये वायरस जो है रेप्लीकेट करता है अपने आप को। यानी कि ये ऐसा वायरस है जो हमारी T4 हेल्पर सेल, आप देख रहे थे जब मैंने आपको टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो टी हेल्पर सेल्स भी होती हैं साइट और किलर सेल्स भी होती हैं। टी हेल्पर सेल क्या करती है? बी लिम्फोसाइट को जाकर मदद करती है, और बी लिम्फोसाइट बदले में एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन जब तक टी हेल्पर सेल जब तक बी सेल को, बी लिम्फोसाइट सेल को मदद नहीं करेगी, तब तक बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और ये सेल का वायरस टी हेल्पर सेल को ही इन्फेक्ट कर दे रहा है, और इसीलिए ये इस व्यक्ति के शरीर में जिसे HIV इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनना ही बंद हो जाएगा। यानी उसकी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम से डिफिशियंट हो जाएगी। ये एक रिजर्वायर बन जाता है। वंस ए पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड, वायरस रिमेन्स इन हिज बॉडी। अगर एक पर्सन एक बार वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, तो उसकी बॉडी, उस पर्सन की बॉडी पूरी ज़िंदगी के लिए एक रिजर्वायर हो जाती है, और हमेशा उसकी बॉडी में वो वायरस रहता है। और जब वो पर्सन की डेथ होती है, तभी उसकी बॉडी से वो वायरस जाता है। पर्सन बहुत समय तक सिम्टम लेस भी रह सकता है। कैरियर, सिम्टम लेस कैरियर की तरह होता है, जो सालों साल बहुत सारे लोगों को क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है, जब तक कि उसके अंदर जो डिजीज़ के सिम्टम्स हैं दिखाई देने नहीं लग जाते हैं, वो जब तक कि उसे खुद पता नहीं चल जाता कि वो HIV पॉजिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो सोर्स क्या है? द वायरस इज़ फाउंड इन ग्रेट कंसंट्रेशंस इन ब्लड। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में पाया जाता है, यानी उसके बॉडी के फ्लूइड्स में पाया जा सकता है। और हमारी बॉडी में देखिए, सीमेन, जो मेल का सीमेन होता है वो भी फ्लूइड है, या CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो ब्रेन में भरा हुआ फ्लूइड होता है, या ब्लड भी एक फ्लूइड है। यानी हमारी बॉडी से निकलने वाले फ्लूइड्स के माध्यम से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को जा सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ फ्लूड, अगर वो फ्लूड एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी का फ्लूड किसी भी तरीके से नॉर्मल पर्सन की बॉडी में आ रहा है कांटेक्ट में, तो क्या होगा कि वो पर्सन इंटरनली आ रहा है कांटेक्ट में, तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो और इसके अलावा और भी हमारी बॉडी में कुछ फ्लूड्स होते हैं, जैसे हमारे टीयर्स होते हैं, सलाइवा होता है, ब्रेस्ट मिल्क है, यूरिन है, सर्वाइकल और वेजाइनल सिक्रीशंस है, तो ये भी फ्लूड्स हैं, इनके माध्यम से भी फैल सकता है, बट इनसे कम मात्रा में फैलेगा क्योंकि कम मात्रा में इनमें रहता है। इसके अलावा
कभी कभी ब्रेन टिश्यू में पहुंच जाता है, लिम्फ नोड में पहुंच जाता है, बोन मैरो सेल्स में और स्किन में भी रहने लगता है अगर किसी की बॉडी में बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है तो। फिर मेनली जो है सबसे ज़्यादा कहा गया है कि जो वायरस को ट्रांसमिट करवाता है वो कौन करवाता है, वायरस का ट्रांसमिशन ब्लड करवाता है। कौन करवाता है? ब्लड जो है वो वायरस का ट्रांसमिशन करवाता है, या सीमेन यानी मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन होता है वो। ठीक है, फिर देखेंगे एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो रहा है। तो अगर किसी की बॉडी, आपने देखा क्या चीज़ों से फैलेगा, इन्फेक्टेड पर्सन के फ्लूइड से फैलेगा, तो कैसे फैलेगा? अगर उसकी बॉडी में कहीं कट लग गया तो उसके ब्लड के कांटेक्ट में आने से, या उसकी स्किन कहीं ब्रेक हो गई तो हो सकता है, या म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं की नाक की या बॉडी में जहाँ भी म्यूकस एपिथीलियम है, या इंजेक्शन से डायरेक्ट कोई अगर ले रहा है तो भी एचआईवी फैल जाएगा। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी हम देखते हैं तो सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड एक्सपोजर से, और पेरीनेटल। पेरीनेटल मतलब माँ के गर्भ में, गर्भवती माँ अगर इन्फेक्टेड है, एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को हो जाएगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आप देख रहे हैं मेल टू मेल भी हो सकता है, यानी कि वो एक मेल से जो होमोसेक्सुअल पर्सन्स हैं उनमें इनमें होता है, जो एनजीबीटी होते हैं, एलजीबीटी उनमें होता है। ठीक है, फिर मेल टू फीमेल में या फीमेल टू मेल में जा सकता है, फीमेल से फीमेल में भी जा सकता है, यानी होमोसेक्सुअल अगर फीमेल है उनमें हो सकता है। ब्लड के एक्सपोजर से फैलता है ये ड्रग, जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, नीडल शेयर करते हैं ड्रग लेने के लिए, उनमें होता है। या अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर एक हेल्दी पर्सन को एचआईवी पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया गया गलती से तो भी हो जाएगा। और माँ से ब्रेस्ट फीड कराने में बच्चे को भी, पर वो बहुत कम चांसेस है। जब बच्चा माँ के बिल्कुल अंदर है, डेवलप हो रहा है, उस टाइम पर अगर ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम पर हो सकता है ज़्यादा संभावना, लेकिन इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग में कम संभावना है। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे और कैसे फैल सकता है, जो ऑक्यूपेशनल ट्रांसपिरेशन है, यानी कुछ लोगों का काम ही ऐसा है, उनका काम ही ऐसा है, जैसे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके माध्यम से, हॉस्पिटल स्टाफ है, कभी कभी सर्जरी कर रहे हैं, सिरिंज लगा रहे हैं, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लिया हुआ है सिरिंज में, या सर्जरी करके आए हैं और पता ही नहीं चला, और कहीं से कट से वो सिरिंज या सीजर उनके अपनी बॉडी के कहीं कांटेक्ट में आ गई और ब्लड के कांटेक्ट में आ गई और उनकी बॉडी में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। फिर बाकी भी रूट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है उस दौरान किसी व्यक्ति को, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, या नीडल प्रिक कर ली हो किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन से तो हो सकता है। तो हमने ये देखा, अब हम इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। बेटा इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो क्या है इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब? होता है कि जब से एचआईवी जो है इन वो बॉडी में आया और जब एड्स का डेवलप हो गया, यानी कि जब कोई वायरस किसी की बॉडी में आया और जब उस वायरस के होने के सिम्टम दिखाई देने लगे, तो ये पीरियड जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। बेटा आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के केस में भी इसीलिए 14 डेज क्वारंटीन करते हैं, क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है कोरोना वायरस का तो 14 दिन तक हो सकता है कि वायरस है उसकी बॉडी में, ये पता नहीं चल रहा है। तो वही पीरियड जब तक पता नहीं चलता है और जब पहली बार सिम्टम दिखाई देते हैं तब मानते हैं कि हो गया इसे, तब उस पीरियड को, यानी कि वायरस तो आ गया 1 तारीख को, लेकिन 15 तारीख को सिम्टम आया, तो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच का जो पीरियड है उसे ही बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज़ ये एड्स वायरस के केस में कुछ महीनों से लेकर लगभग 10 साल का भी, 15-20 साल तक का भी समय हो सकता है। ठीक है, 75% पर्सन्स में ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होते हैं उनमें एड्स के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं 10 साल लगभग होता है, 10वें साल के अंत तक ज़रूर दिखाई देने लगते हैं। यानी कहने का मतलब कि 10 साल के बाद, यानी 11 साल से ज़्यादा, 11-12 साल से ज़्यादा वो जी नहीं सकते। यहाँ आप एचआईवी वायरस को देखिए, ये एक एचआईवी वायरस है, ये हमारी टी सेल्स जो होती है, हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स जो हैं उनको इन्फेक्ट किया, फिर क्या करा, अब इसने ये इस सेल को, टी सेल्स को अपनी फैक्ट्री बना लिया और इसमें डिवाइड कर रहा है, फिर ये नई सेल को जाएगा, नई WBC सेल को खोजेगा और उनको इन्फेक्ट करेगा। ऐसे करते हुए ये ट्रिलियंस ट्रिलियंस खरबों से भी बहुत ज़्यादा ये हो जाता है संख्या में, और
अपना नंबर बढ़ाने लगता है, हमारी बॉडी को पूरी तरीके से पैरालाइज कर देता है। ठीक है, अब एक्यूट एचआईवी सिंड्रोम देखते हैं। तो एक्यूट एचआईवी सिंड्रोम जो है वो क्या है, एक्यूट एचआईवी सिंड्रोम में आप देखिए, मतलब जब शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, जब ये एक एक्यूट डिजीज़ की तरह है, फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, उसके माउथ में छाले हो सकते हैं और इस फैगस में अंदर छाले हो सकते हैं, गले में पूरी हो सकते हैं, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं और उल्टी जैसे लग सकता है, लीवर खराब होने का सिम्टम आ सकता है, तो शुरुआती ये लक्षण है। फिर रिलेटेड कॉम्प्लेक्स लक्षण क्या हैं कि अब आगे चल के देखिए, ये जो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है, हैज़ इलनेस कॉज्ड बाय डैमेज टू इम्यून सिस्टम, तो प्राइमरली इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है, बट विदाउट द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शस एंड कैंसर एसोसिएट विद एड्स, यानी लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और कैंसर्स भी एड्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत सारे छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं और कैंसर होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये इन ऐसे लोगों को अनएक्सप्लेन्ड डायरिया होता है, पता ही नहीं चलता है, एक महीने से ज़्यादा लगातार डायरिया बने रहेगा, बॉडी वेट 10% से ज़्यादा कम हो गया, रात को बहुत पसीना आता है, फीवर रहता है, फिर इसी तरीके से ओरल थ्रश, गले में खराश बनी रहती है, ठीक है, और स्प्लीन बढ़ जाती है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। स्प्लीन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि स्प्लीन में WBC का फॉर्मेशन होता है और WBC जो है वही खा रहा है, ये उनकी संख्या कम हो रही है, तो स्प्लीन सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा WBC बनाए ताकि बॉडी लड़ सके, इसलिए स्प्लीन अपना शेप बढ़ा देता है। ठीक है, फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे एड्स से बच सकते हैं, तो अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स यानी कंडोम्स का यूज़ करें, स्टराइल निडल्स का यूज़ करें, इंजेक्शन के टाइम पर कभी भी कोई भी निडल शेयर ना करें और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक ना करें, और अगर कराया भी जा रहा है तो वो सेफ़ होना चाहिए। फिर जितनी प्रेग्नेंट वूमेन हो उनको HIV टेस्ट के लिए जाना चाहिए, और हो सके तो अगर पॉजिटिव हैं और 3 मंथ से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होने वाली है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसके पहले का केस है तो वो सेफ प्रेगनेंसी नेक्स्ट टाइम ऑप्ट करें। फिर इसी तरह से और क्या कर सकते हैं, जो लोग लगातार ऐसे काम करते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर जैसे आप आजकल देखते हो PPE किट वैसे पहनकर रखना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए भी वैक्सीन लगनी चाहिए और प्रॉपर लोगों में एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज ये